हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसके मैकेनिक के अंदर। आज मैं और वसीम भाई अंसारी कार गुरु यूट्यूब चैनल वाले अपन को ABS की जो सेंसर है ये चेक करने का तरीका बताएंगे, मल्टीमीटर से किस तरीके से चेक करते हैं। हाँ तो वसीम भाई बताइए आप। देखिए अपने पास ये अल्टिगा है, इस अल्टिगा में क्या हो रहा है, लेफ्ट फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर सर्किट की ट्रबल कोड आ रहा है। अच्छा, ठीक है ना। तो अपन ने उसकी वायरिंग चेक की वहाँ पे, तो वायरिंग अपन को ओके मिली। ठीक है, अब अपन इसका सेंसर चेक कर लेते हैं। सेंसर चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मल्टीमीटर को 200 ओम्स पे लेना पड़ेगा। ठीक है, 200 ओम्स पे लेना पड़ेगा। हाँ, 200। अब इन दोनों को यहाँ अपन को टच करके देखना है, मल्टीमीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को। तो दोस्तों इस पे कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बंद कर दो इसके अंदर, अभी एक और बंद कर। इसके अंदर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अपन ने दोनों वायर लगाए हैं, ये जब वायरिंग हिला रहे हैं ना अपन, तब रेस्पॉन्स आ रहा है। वायरिंग हिलाना जावेद भाई, अभी आया था ना या, ये ठीक है। ये जब वायरिंग हिल रही है ना तो रेस्पॉन्स आ रहा है, रेस्पॉन्स आ रहा है। तो ये क्या हुआ, इसके अंदर में जो खोलने वाला है ना बंदा, वो ये जैसे लॉक सिस्टम है बॉडी के अंदर, बिल्कुल सही है, खींचता है ये अंदर से वायर कट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अगर ये रिपेयर करेंगे मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, जिसे रेजिस्टेंस आना चाहिए ना, इसके अंदर रेजिस्टेंस आना चाहिए कितने, दोनों वायर को नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव में जोड़ेंगे अपन मल्टीमीटर से 200 ओम्स पे रख के, तो कितने आना चाहिए ओम्स? 6 से 7 पॉइंट के अंदर में आने चाहिए। अच्छा, 0.6 से 8 के बीच में आना, बीच के अंदर आ रहा है ओम्स आने चाहिए, लेकिन और नहीं आ रहे हैं तो ये सेंसर खराब है। और ये पूरा सेंसर खराब नहीं है अभी। अच्छा, तो हमारे जावेद सर इसको छीलेंगे पूरा। जावेद सर से बात करिए, जावेद भाई इधर आइए आप। जावेद भाई इसको रिपेयर करने का तरीका ही बता दो यार, सही बात है। तो ये अपन पूरा छीलना पड़ेगा या जहाँ से अपन को पता है फिर वहीं से छीलेंगे? जैसे कि अपने को ये लग रहा है यहाँ से डैमेज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, पहले बाकी नया डालना बेहतर है, रिपेयर भी कर सकते हैं। नया है तो बेहतर है। अच्छा ठीक है, अभी अपने पास मिल नहीं रहा है। अच्छा, तो अपन रिपेयर कर रहे हैं। तो एक बार बता दो भाई कहाँ से कटा हुआ इसलिए, और फिर कंप्लीट होने के बाद रेजिस्टेंस आते हैं या नहीं आते हैं होम्स? ये मेरे को यहाँ से लग रहा है। तो ठीक है, एक बार ये कपलर ये क्लिप हटा दो। तो ये भी सेंसर चेक करने का तरीका नॉर्मल यही है? बिल्कुल यही तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका, तो अपन को डायरेक्ट एक भी मालूम भी तो पड़ जाए ना। तो ये दोनों आपस में जाके कहीं मिल रहे हैं क्या अंदर से इसके अंदर? वो वायर खींचने खींच नहीं नहीं, ये जो ओम्स आते हैं, रेजिस्टेंस आते हैं, ये एक सेंसर है, मैग्नेटिक कॉइल है ये। अच्छा ठीक है, मैग्नेट का काम कर रही है, इसके अंदर एक कॉइल बनी हुई है, मतलब अंदर ही की जो होती है ना, बनाते अपन गोल गोल करते हैं, जैसे इसमें गोल गोल लगा दिया है। ठीक, अब ये किसी भी मैग्नेटिक वाले फील्ड के बीच में जाएगा। अच्छा, तो ये क्या जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा, रही है जो व्हील की स्पीड चल रही है वो जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे ये इसके पास से कितनी स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, ये संकेत किसको देगा, सेंसर ABS कंट्रोल मॉड्यूल को। अच्छा, ये सेंसर इस व्हील की स्पीड कितनी आ रही है। अच्छा, ABS कंट्रोल मॉड्यूल को संकेत देगा, कंट्रोल मॉड्यूल को संकेत देगा, जिस व्हील की स्पीड ज्यादा होगी ABS कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगा, सबसे पहले ब्रेक ऑयल का प्रेशर उस वाले व्हील को रोकने के लिए लगा देगा सारा। अच्छा, अपन जब इमरजेंसी में ब्रेक लगाते हैं एकदम, इमरजेंसी में लगाते हैं जिस व्हील की स्पीड ज्यादा होगी, जैसे गाड़ी चल रही है सीधी तो चारों व्हील की स्पीड बराबर रहेगी। ठीक है, जब अपन कहीं गाड़ी काटते हैं, टर्न कर रहे हैं, थोड़ी बहुत टर्न करते हैं, तो एक व्हील की स्पीड ज्यादा हो जाती है, एक की कम हो जाती है। बिल्कुल, तो जिधर ज्यादा स्पीड है तो सबसे पहले क्या है, उसी व्हील को रोकना पड़ेगा अपने। बिल्कुल सही बात है, ना कि वो छोटे वाले को रोकेंगे तो गाड़ी पलटी खाने का डर है। बिल्कुल सही है, ABS का ये भी बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा, ABS का काम ये भी, जो पलटी खाने से भी गाड़ी को रोक सकता है, और गाड़ी के टायर होते हैं ना वो स्किट नहीं होते, ये बात भी है ABS के अंदर। वो गाड़ी को लॉक करता, और जो भी ज्यादा चल रहा है सबसे पहले उसको लॉक करेगा। अच्छा, ये पूरी जानकारी बताई आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे YouTube पे जितने भी फ्रेंड हैं वो सुनेंगे, वो देखेंगे आपकी वीडियो, तो उनको कुछ नॉलेज मिलेगा ना भाई ABS भाई। एक तो ये पता पड़ता है ABS है गाड़ी में, अब वो काम क्या करता है किसी को पता नहीं, और कैसे काम करता है ये पता नहीं, तो आपने बताया तो ये नॉलेज भी अच्छा है कि भाई ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। अपन चेक कर रहे हैं इसको, ठीक है।
तो अच्छा है, अपन यहाँ से छीन लिया, ठीक है। तो और आगे से कटा हुआ वायर ये पता कर रहे हैं अपन, नहीं आ रहा। अब इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड लगाइए, मतलब लोहे का ना पत्ती है ना, अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। आगे लगा ना आगे की, अरे साइड में काम करेगा। हाँ अच्छी लग रहा है, आगे से डैमेज है और आगे से डैमेज है। ये वायर को खींचो आप यहाँ से, अगर डैमेज होगा तो ये वायर हाथ में जाएगा। ज़्यादा तेज नहीं, ज़्यादा तेज नहीं, या मेरे ज़्यादा सेंसर ही खराब है वसीम भाई, क्या बोलते हो? कंट्यूटी चेक कर लो, ठीक है। कंट्यूटी पे ले लिया आपने? वालेकुम सलाम, कोई सा में लगा? हाँ दूसरे में लगा ना, कंट्यूटी आ रही है। ये दोनों की मिल क्यों रही है? मिलेगी ना, कोयल है ना ये एक तरह से। अच्छा घूम के आ रही है, ठीक है। चेंज करो, एक पाँच मिनट दो यार मेरे को, मैं कोई अर्जेंट काम कर रहा हूँ, आता हूँ, है ना। तू एक में लगा ना, वो तभी वो कंफ्यूज हो रहा है, तू दोनों दोनों तरफ पिनों में इधर उधर कर रहा। हाँ पंप्स पे ले लो, तो ये ठीक है। तो आपने चेक किया वसीम भाई, क्या होगा इसका? अपन ने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वायर चेक कर लिया है, ठीक है, ओके मिला है, ठीक है। अभी इसका सेंसर ही खराब है। अच्छा ये मैग्नेट अंदर से फील्ड खराब हो चुकी है, तो ये पूरा नया डलेगा, ठीक है। और कुछ कहना है आपको? नहीं, ये हमारे वसीम भाई कार गुरु फुल सपोर्ट करे यूट्यूब चैनल पर। हाँ जावेद भाई बंद करते हैं वीडियो को, बोलो बोलो कुछ बोलो।